हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं शाही गुलकंद ड्राई फ्रूट्स मोदक। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। चलो तो फिर इंग्रेडिएंट्स के पास में ध्यान देते हैं। यहाँ मैंने लिया है अमूल का मिल्क मेड, कुछ ड्राई फ्रूट्स, रोज़ पेटल्स, फिर मैंने ली है मिल्क पाउडर, मोदक का मोल्ड, पिंक कलर, गुलकंद और डेजिग्नेटेड कोकोनट। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए हम शाही गुलकंद ड्राई फ्रूट्स मोदक बनाएंगे। चलो तो फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेट ली है, उसमें मैं पहले डेजिग्नेटेड कोकोनट को ऐड करूँगी, उसके बाद में मैं ऐड करूँगी मिल्क पाउडर को, फिर इन दोनों मिक्सचर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, रोज पेटल्स, उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क मेड और मैं ये सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलना, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी मैं अपने न्यू वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। अब मैं ये मिक्सचर में ऐड करूँगी पिंक कलर और थोड़ा सा मिल्क मेड और फिर से ये मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद में मैं बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड करूँगी मिल्क को। मिल्क हमने इसलिए ऐड करना है ताकि ये हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको एक साथ में बाइंड करने को अच्छे से मदद करता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। अब आप देख सकते हो सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए अपना मोदक का डो तैयार हो गया है। अब यहाँ मैं लूँगी एक मोदक का मोल्ड, उसमें मैं कुछ रोज़ पेटल्स लगाऊँगी डेकोरेशंस के लिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगाऊँगी और जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो मोल्ड में थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करते हुए लगा दूँगी। आप वीडियो को अच्छे से फॉलो करना ताकि आपका भी मोदक बहुत अच्छा टर्नआउट होगा। इस तरीके से मैं मोल्ड में मोदक के मिक्सचर को लगा लूँगी और सेंटर फिलिंग में मैंने यहाँ गुलकंद डाला है। ये प्रोसीजर मैं आपको 2-3 बार बताऊँगी ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा कि मोदक को कैसे बनाना है। सिंगल रिव्यू में अच्छे से नहीं दिखता है, इसलिए मैंने 2-3 बार आपको ये प्रोसीजर करके इस वीडियो में बताई है। अब मैंने ड्राई फ्रूट्स और रोज पेटल्स फिर से लगा लिए है, मिक्सचर को ऐड किया है। सेंटर फिलिंग में मैं फिर से ऐड करूँगी गुलकंद को। यहाँ मैंने फ्रेश गुलकंद लिया है। इस तरीके से आपने इसे मोल्ड में लगाना है और जैसे ही आप डीमोल्ड करते हो डिलीशियस मोदक यहाँ तैयार है। ये प्रोसीजर को आप फॉलो करते हुए मोदक को बनाना ताकि आपका भी मोदक एकदम डिलीशियस टर्नआउट होगा। ये आप गणेश चतुर्थी पे, कोई भी फेस्टिवल्स पे, पूजा में, कोई मंदिर में आपको अगर स्वीट्स को सर्व करना है तो आप ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इसे एंजॉय करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा शाही गुलकंद ड्राई फ्रूट्स मोदक कैसे लगा है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने एक एक करके 4-5 मोदक आपको बना के बताए हैं ताकि आपको भी यह प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ जाए कि मोदक मोल्ड में कैसे बनाते हैं। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, विदाउट गैस और ओवन के बिना ही ये मोदक तैयार हो जाते हैं और ये फटाफट बन भी जाते हैं। 4-5 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए हम इंस्टेंट मोदक बना सकते हैं और फटाफट सर्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे शाही गुलकंद ड्राई फ्रूट्स मोदक बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे बनाना और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना।